नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश और राज्य की दिन भर की प्रमुख खबरों का स्पेशल बुलेटिन फटाफट 50। ओमिक्रॉन के केस ज्यादा बढ़ने से प्रभावित हो सकता है स्वास्थ्य ढांचा, तेज करें तैयारी, मांडविया ने राज्यों को दिए निर्देश। महिलाओं का अपमान और सांप्रदायिक नफरत तभी बंद होंगे जब हम इनके खिलाफ खड़े होंगे, बोले राहुल गांधी। पश्चिम बंगाल में लगाई गई नई पाबंदियां, कल से सभी स्कूल और कॉलेज बंद। गरियाबंद में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर पहुंचे थे सुरक्षा बल, एक जवान घायल। आईएमए के कॉन्फ्रेंस में शामिल 17 डॉक्टर संक्रमित, सीएम नीतीश कुमार ने किया था उद्घाटन। यूपी में कल से 15 से 18 साल के बच्चों का होगा वैक्सीनेशन। 23 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन, महाराष्ट्र में 460 केस, दिल्ली में 351 मामले। यूपी चुनाव को लेकर केजरीवाल बोले, पिछली सरकार ने शमशान कब्रिस्तान बनवाए, हमें मौका दो स्कूल अस्पताल बनवा देंगे। दिल्ली की जेल में बंद छात्रों पर गरमाई सियासत, गृह राज्य मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं है दानिश अली। भारतीय स्ट्रीमिंग उद्योग को मिली मजबूती, अगले एक दशक में बढ़कर 13 से 15 अरब डॉलर पर पहुंचने की उम्मीद। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर आंदोलन, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर समेत कई प्रदर्शनकारी हिरासत में। कालीचरण को लेने महाराष्ट्र पुलिस की 5 सदस्यीय टीम पहुंची रायपुर के टिकरापारा थाना। दोषियों पर एक हफ्ते के भीतर होगी कार्रवाई, बैकुंठपुर नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव पर बोले पुनिया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में दोस्तों में झगड़ा हुआ तो युवक ने दूसरे के सीने में मारा खंजर, लोगों ने की तोड़फोड़। उड़ीसा में पुलिस वाले पर चोरी का आरोप, दावत की तैयारी पर एसपी पर गिरीगाज। उत्तराखंड के नैनीताल में सरकारी स्कूल के 85 बच्चे मिले कोरोना संक्रमित, मचा हड़कंप, कंटेनमेंट जोन बना विद्यालय। आज फिर यूपी गए सीएम भूपेश, वाराणसी में महारैली करेंगे, शाम तक वापस लौटेंगे, कल पीसीसी कार्यकारिणी की बैठक। खुद को लेकर इतने शोर के बावजूद पिछले 20 दिन में असाधारण रहे कोहली, बोले द्रविड़। मोदी के लिए मेरठ में जले 10 लाख दिए, खेती से बिगड़ी बात को खेल से दुरुस्त करेगी बीजेपी। खुद को फकीर कहना बंद करे मोदी, शिवसेना संजय राउत ने पीएम की मर्सिडीज पर उठाए सवाल। राजकोट से दिल्ली जा रहे विमान ने बिना मंजूरी भरी थी उड़ान, अब हो रही है मामले की जांच। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी, रोती बिलखाती महिलाओं ने सरकार से लगाई गुहार। जिस यूनिवर्सिटी का नाम ध्यानचंद से जुड़ा हो, वहां ध्यान से काम करने वाले देश का नाम करेंगे रोशन, मोदी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, पार्षद पत्नी के साथ भाजपा में शामिल हुए देवेंद्र बबला। कोरोना मामलों की क्लिनिकल प्रबंधन पर वेबिनार की श्रृंखला शुरू करेगी केंद्र सरकार। पीएम मोदी 4 जनवरी को मणिपुर और त्रिपुरा का करेंगे दौरा, 22 प्रोजेक्ट समेत टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन। यूके की स्टडी में बूस्टर डोज को लेकर आई गुड न्यूज, ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ 88% तक कारगर। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव, अब आरटीपीसीआर कराएंगे हेलीकॉप्टर से रायपुर आ रहे सिंहदेव। एलन मस्क ने किया खुलासा, टेस्ला की ऑटो पायलट टीम के लिए भारतीय मूल के शख्स को दी थी सबसे पहले नौकरी। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ रैलियों के आयोजन पर लगे प्रतिबंध, बोले एसवाई कुरैशी। सुल्ली के बाद बुल्ली बाई, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ हुई अभद्र कमेंट। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में एसटीएफ जवान घायल। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की पीएम ने रखी आधारशिला, कहा सरकार ने खिलाड़ियों को दिए 4 शस्त्र। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले सीएम केजरीवाल, हम पूरी तरह तैयार, घबराने की जरूरत नहीं। बीते साल शीर्ष 7 शहरों में घरों की बिक्री 71% बढ़कर 2,36,530 इकाई हो गई। दक्षिण अफ्रीका के संसद भवन में लगी आग, इमारत में धुएं और आग की लपटों का गुबार उठता देखा गया। ताइवान के राष्ट्रपति ने चीन को चेताया, कहा हांगकांग के समर्थन में नहीं बदलेगी देश की स्थिति। बिक्री के मामले में टाटा मोटर्स बनी दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी, ह्युंडई को छोड़ा पीछे। कोलकाता मेट्रो में सोमवार से टोकन सिस्टम बंद, केवल स्मार्ट कार्ड से ही यात्रा कर पाएंगे यात्री। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में नदी में गिरी बस, 3 यात्रियों की मौत और 28 घायल। कराची में हर्ष फायरिंग में एक लड़के की मौत, 18 अन्य घायल। 1 अप्रैल से यूपी में शराब की दुकान का लाइसेंस लेना हो जाएगा महंगा, देशी शराब 5 रुपए होगी सस्ती। साउथ एक्टर साई धर्म के खिलाफ पुलिस कसेगी कानूनी शिकंजा, रोड एक्सीडेंट का है मामला। त्रिपुरा में बीजेपी टीएमसी में घमासान, अभिषेक बनर्जी के सभी कार्यक्रमों की अनुमति रद्द। साल 2022 में मुझे एफआईआर कम और लव लेटर ज्यादा चाहिए, बोली कंगना रनावत। मोहित रैना ने गर्लफ्रेंड अदिति संग लिए 7 फेरे, पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। पीएसजी स्टार लियोनल मेसी को हुआ कोरोना, 3 और खिलाड़ी हुए संक्रमित। उत्तर प्रदेश में जनवरी में सर्दी का सितम, ठंडी हवाओं के साथ ही बारिश की चेतावनी, प्रदूषण से भी बुरा हाल। दुनिया में सबसे ऊंची वृद्धि दर्ज करने वाली अर्थव्यवस्था रहेगा भारत, आरबीआई अधिकारी का दावा। कोरोना में रेलवे को तत्काल बुकिंग से हुई 403 करोड़ की कमाई, डायनेमिक फेयर से मिले 511 करोड़ रुपए। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।